जब हम स्कूल के छोटे क्लासेस में पढ़ते थे, हमें सिखाया जाता था यूनिटी, ग्रुप में काम करो, सबके साथ बात करो। बट आई डोंट अंडरस्टैंड, बड़े होते हो तो ये सारे वैल्यूज कहाँ चले जाते हैं? इट वॉज ऑल फाइन, हम खुश थे अपने लाइफ से, पर कुछ ही सालों में ये खुशी हमसे छीन ली जाती है। यूनिटी यूनिटी सब भाड़ में गया और हमको डिवाइड कर देते हैं तीन कैटेगरीज में, एज दे कॉल इट स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। ऐसा लगता है मानो कोई कास्ट सिस्टम है। अरे मैंने लिटरली अपने टीचर्स को कहते हुए सुना है यार, तुम साइंस स्टूडेंट हो ना, कॉमर्स स्टूडेंट्स के साथ घुला मिला मत करो। अब देखो, प्रॉब्लम टीचर्स में नहीं है, वो भी अपने एजुकेशन सिस्टम से बंधे हुए हैं। अब उसको फॉलो नहीं करेंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी। प्रॉब्लम है जब हमें ऐसे बाउंड्रीज और केजेड एनवायरनमेंट में रखा जाता है, तब धीरे धीरे हमारे अंदर भी ये भेदभाव वाली फीलिंग बैठ जाती है और जाने अनजाने में हम भी एक दूसरे को अंडर एस्टिमेट करने लग जाते हैं। पता नहीं लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ में आती कि तीनों स्ट्रीम्स की बराबर जरूरत है इस दुनिया को आगे बढ़ने के लिए। वेल, हर स्कूल के तरह क्लास 8 के बाद मेरा भी स्ट्रीम अलग हो गया और जैसा कि 90% लड़कों के साथ होता है, मेरे साथ भी वही हुआ। पीयर प्रेशर। आई थिंक साइंस लेने की शुरुआत ऐसे ही होती है, यार सभी साइंस ले रहे हैं, अगर मैं इनको फॉलो नहीं करूंगा तो मैं ही अकेला पड़ जाऊंगा। एंड इसी पीयर प्रेशर के चक्कर में मैंने साइंस ले लिया और क्लास 8 के फिजिक्स बुक के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन को देख के ही मेरे दिमाग ने मेरे दिल से कहा, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा। मुझे बचपन से ही ड्राइंग्स बनाने का बहुत शौक था और कहीं ना कहीं मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहता था, पर क्लास 8 में जब मैंने इस रियलिटी को फेस किया तो ये सपना जैसे कहीं पे जाके छिप गया एंड मेरे ऊपर फिजिक्स के कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशंस और मैथ्स के बड़े बड़े फॉर्मूलास थोप दिए गए, विच हैपेंस विद एवरी अदर साइंस स्टूडेंट। कि हम कोई कंप्लेन नहीं कर सकते कि क्यों हमें इतना स्ट्रेस में रखा जा रहा है। मुझे तुम्हारे स्कूल के रूल्स नहीं मालूम, बट मैं मेरे स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ कि साइंस स्टूडेंट्स को कोई भी फंक्शन में अलाउ नहीं करते थे, नो एक्स्ट्रा हॉलीडेज, एंड इवन रूटीन से गेम्स पीरियड को भी हटा दिया जाता था। ये लोग दिन ब दिन जैसे रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाते जा रहे हैं ना, वो दिन दूर नहीं है जिस दिन ये लोग बोलेंगे कि तुम लोग टॉयलेट में भी मत जाओ, टॉयलेट भी जाओगे तो तुम पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। और अभी तक तो मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम पे आया ही नहीं। एज ए साइंस स्टूडेंट तुम्हारे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती है। हर पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा साइंटिस्ट बने या इंजीनियर बने, और इवन आफ्टर पूरी कोशिश करने के बाद भी अगर कोई पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं कर पाता तब उसे एज ए लूजर, बेवकूफ, गधा कहा जाता है, जबकि किसी के मार्क्स का उसके इंटेलिजेंट से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। एंड समटाइम्स पेरेंट्स गुस्से में आकर फोन वगैरह ले लेते हैं या फिर बाहर खेलने या घूमने से मना कर देते हैं, विच मेक्स देम इवन मोर सैड। अरे यार, अगर किसी के मार्क्स कम आए हैं तो उससे जाके बात करो, उससे पूछो कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या। उसके सारे लीजर चीजें छीन लेने से उसके मार्क्स बढ़ नहीं जाएंगे। तो किसी भी तरह रगड़ रगड़ के आई मैनेज टू स्कोर 90% इन माई 10th बोर्ड, विच बैकफायर्ड मी, क्योंकि मुझे अब आगे साइंस नहीं लेना था। बट ऑल द टीचर्स वेर लाइक, अगर इतने अच्छे मार्क्स आए हैं तो साइंस कंटिन्यू क्यों नहीं करेगा, एंड उन लोगों ने मेरा साइंस का फॉर्म भर दिया फिर से। और तब मैं इतना मैच्योर्ड भी नहीं था कि अपनी आवाज उठा सकूं, एंड इवन मेरे पेरेंट्स वेर वेरी न्यूट्रल, उन्होंने कभी मुझे फोर्स नहीं किया कि तू साइंस ही लेगा। तो अगर उस वक्त मैंने थोड़ी सी कोशिश की होती तो मैं फिर से साइंस के ट्रैप में नहीं फंसता। अब 11th साइंस जो लोग पास कर चुके हैं उन्हें अच्छे से पता है कि कितना टफ होता है। मुझे छोड़ो, क्लास के आधे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होता कि ये टीचर साला क्या पढ़ा रहा है, एंड एट लास्ट मजबूरी में सब कुछ रट्टा मारना पड़ता है क्योंकि टीचर्स ने तो कभी ठीक से कुछ समझाया नहीं। एंड मैं तुम लोग को एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मैं कभी कभी कितना फ्रस्ट्रेट हो जाता था। ऑल दो स्लीपलेस नाइट्स जहां मुझे पता था कि मैं कल के टेस्ट में फेल होने वाला हूं, समहाउ मैंने 11th पास की एंड 12th में जाके मैंने रियलाइज किया कि वो क्लास 8th वाला सपना अभी भी कहीं ना कहीं मेरे अंदर जिंदा है, एंड आई स्टार्टेड लर्निंग एनिमेशन। तुम में से बहुत लोग मुझे पूछते हो कि मैंने एनिमेशन कहां से सीखी। यार, मैंने खुद से यूट्यूब वीडियोस देख देख के सीखी है, एंड तुम्हें अगर सीखना है इट विल टेक टाइम। ऐसा कोई सीक्रेट शॉर्टकट या मैजिकल ऐप या सॉफ्टवेयर नहीं है जिससे तुम एक दिन में सीख जाओगे। एंड 12th क्लास में पढ़ते पढ़ते ही मैंने अपनी सबसे पहली एनिमेशन वीडियो बनाई। तो 12th एग्जाम्स खत्म हुए और फाइनली मैंने ये सोच लिया था कि अब तो साइंस नहीं लेना है, एंड मेरे पेरेंट्स ने भी मेरा पूरा साथ दिया एंड आई टुक अप कॉमर्स। लाइफ आफ्टर 12th हैज बीन इजियर, क्योंकि अब मैं कॉलेज के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ, और यार अपना यूट्यूब चैनल तो है ही। देखो, तुम्हें इस स्टोरी से ये चीज समझ आ चुकी होगी कि पीयर प्रेशर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। अपने आप को पहचानो और ढूंढो कि तुम्हारा असलियत में इंटरेस्ट किस में है।
मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है यार, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा किसने कह दिया कि अगर तुम अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो तो तुमको पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। तुम अपने पढ़ाई और अपने पैशन साइड बाय साइड दोनों को फॉलो कर सकते हो। एंड मैं ये भी नहीं कह रहा कि साइंस बहुत ही बेकार सब्जेक्ट है। अगर तुम्हें पढ़ना पसंद है, मैथ्स करने में मजा आता है, देन इट्स ओके। बट तुम अगर जबरदस्ती किसी के कहने पे साइंस ले रहे हो ना, तो तुम्हें अभी तो समझ नहीं आएगा, लेकिन बाद में आगे जाके पक्का रिग्रेट करोगे। तो यार अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ या किसी के पेरेंट्स के साथ, एंड मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ कि तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो। अगर मेरी इस वीडियो से किसी एक की भी मदद हो जाए ना, तो मुझे लगेगा कि चलो यार मेरा ये वीडियो सक्सेसफुल हो गया। तो यार अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को अगर ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो, एंड मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होंगे, वहां आके तुम अपने प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हो मुझसे। तो अभी के लिए चलता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर।